हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस के बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, और वो एजम्पशंस क्या होते हैं आज उस पर हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करें इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिए। प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स खराब हो सकता है, बट आइडिया और कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट ट्रेडिंग डेटा, किसी भी स्टॉक के पास्ट ट्रेडिंग डेटा को उठाना होता है और उसे स्टडी करना होता है, और उन्हीं डेटा के हिसाब से पास्ट में कोई भी प्राइस का मूवमेंट था, कोई भी शेयर के वॉल्यूम में मूवमेंट था, तो उस आधार पे क्या हुआ था, उस आधार पे जो भी कुछ हुआ था वहां पे स्टडी किया जाता है, और उसके बेसिस पर आज के बेसिस पे हम उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा, फ्रेंड्स इसी की बात हो रही है, हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। आप देखते हैं प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशन रहा है, और उस आधार पे आप ये फैसला करते हैं कि ओके, प्राइस ऐसे जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, और साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका रिलेशन जो है पिछले कुछ समय पहले क्या था, और उसके आधार पे प्राइस ने क्या करेक्शन किया, क्या रिएक्शन किया, उसके आधार पे आप आज के डेट में प्राइस का प्रेडिक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट एक्शन बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम। मार्केट जो है वो वॉल्यूम एंड प्राइस पर रिएक्ट करता है। टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो ज्यादा ये नहीं कंसर्न करता कि कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, कंपनी का सेल्स वगैरह क्या आज इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो ये देखता है कि वॉल्यूम प्राइस क्या हो रहा है, शेयर में करेक्शन किस तरह से आ रहा है। तो करेक्शन आ रहा है तो वो देखेगा कि वॉल्यूम कम हो तो नहीं हो रही है, प्राइस उस हिसाब से तो क्या है उसका रीजन, पास्ट में ऐसा बिहेवियर हुआ था क्या, तो उसी आधार पर वो आज के बेसिस पर वो इन चीजों का कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद वो आपको बताएगा। या आपको अगर खुद ये चीज की नॉलेज हो जाती है तो आपको ये जानना और ये निकालना काफी आसान हो जाएगा कि वॉल्यूम प्राइस का पिछले कुछ समय पहले क्या था उस पर्टिकुलर शेयर में, और आज वो उसी तरह से अगर बिहेव कर रहा है तो उसी हिसाब से प्राइस कैसे आगे जाएगा, पीछे जाएगा, स्टेबल रहेगा, क्या कुछ होगा, ये आप जान पाएंगे। ट्रेंड इन प्राइस मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। मार्केट में जो शेयर की जो प्राइस होती है उसका ट्रेंड क्या है। अब एक ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड, और दूसरा ट्रेंड होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और एक ट्रेंड होगा आपका स्टेबल ट्रेंड। उसके आधार पे आप ये फैसला करते हो कि किस तरफ प्राइस का मूवमेंट होगा। आपने देखा कि लास्ट 10 डेज पर शेयर ने अपवर्ड ट्रेंड इस तरह से लिया हुआ है, तो आप ये कम से कम आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कर सकते हो कि हो सकता है कि 11वें दिन भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहे, या आपने देखा कि 3 दिन लगातार प्लस में जा रहा है मार्केट, और कोई एक शेयर है जो मार्केट के साथ कदमताल चलते हुए 5% तक प्लस हो गया है, तो अगर 4थे दिन वो 2-3% प्लस हो सकता है क्या, तो आपने ट्रेंड को समझना है। ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में। ये ट्रेंड डाउनवर्ड में होता है तो आप शॉर्ट की कॉल देते हो, ये ट्रेंड स्टेबल हो सकता है तो आप अवॉइड की कॉल दे सकते हो। ट्रेंड एंड हिस्ट्री, ट्रेंड आपने समझा, आपने जो ट्रेंड समझा वो 3-4 दिनों का समझा, आपने जो ट्रेंड समझा वो 5-7 दिनों का समझा, आपने जो ट्रेंड समझा हो सकता है कि आपने 10-15 दिनों का समझा। आप जो भी ट्रेंड का एक सिस्टम समझ रहे हैं उसी हिसाब से आपने देखा कि उसका प्राइस मूवमेंट क्या था। अब प्राइस मूवमेंट को आपने देखा और उसी हिसाब से आज जो भी आप एक प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि ट्रेंड, आज का ये जो ट्रेंड है, रीसेंट ट्रेंड है, और पास्ट में होने वाले कुछ ट्रेंड्स हैं थे वो कैसे थे, और अभी के ट्रेंड्स के हम उससे मैच करा सकते हैं क्या। अगर हम उसी चीज को फॉलो करते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हम एक अच्छे प्रिडिक्टर बन पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि एजम्पशंस जो मार्केट के हैं, टेक्निकल एनालिसिस के जो एजम्पशंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एजम्पशंस के आधार पे हम मार्केट को, मार्केट में शेयर्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं, और एक प्रिडिक्शन में हम अगर अच्छे बन गए तो हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे जो प्रिडिक्शन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको इस वीडियो के अंदर और क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।